कोरोना कहर के बीच लोग बेखौफ बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामोनिशान तक नहीं है। प्रशासन के बार बार आग्रह के बावजूद लोगों में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में यह लापरवाही आने वाले समय पर भारी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को आगाह कर रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की अपील को नजरअंदाज करते हुए लोग नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां तक एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमित हो की संख्या कम हो रही है, वहीं लोग लापरवाही बरतने से नहीं चूकते हैं। प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। सरकार लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश दे रही है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के पालन की लगातार अपील की जा रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की लगातार अपील की जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने मोहनलालगंज थाने के अंदर पुलिसकर्मियों से खास बातचीत की, जहाँ पुलिस और चौकीदार खुद मास्क लगाते नजर नहीं आए। देखिए ये रिपोर्ट। भैया, हम पहुंच गए हैं मोहनलालगंज थाने के अंदर और यहाँ पर लोग जो खड़े हैं, हम उनसे करते हैं बात। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। क्या हो गया? कुछ था मैं। नहीं, थाने तो कोई ऐसे नहीं आता है। चौकीदार था। अच्छा, आप चौकीदार हैं? जी। अच्छा, तो मास्क कहाँ है आपका भैया? अरे जेब में है। जेब में मास्क रखने से कोरोना जाएगा? नहीं सर। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या नाम है। आप भी चौकीदार है? आप भी नहीं मास्क लगाते? यहाँ साहब लोग कुछ कहते नहीं आप? बंधे होते हैं। अच्छा, इसे थोड़ी ना होता है, मास्क लगाना होता है प्रॉपर। अब पता है बिना मास्क के 1000 रुपया चालान होता है, पता है ना आपको? नहीं था। चौकीदार हो, आपको तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं हम इस वक्त थाने के अंदर है। थाने के अंदर भी देख रहे हैं लोग किस तरह से लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि लगातार हम पोस्टर बैनर भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि कार्यालय में बिना मास्क प्रवेश निषेध है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, आई विल वेयर ए मास्क इन पब्लिक। आप देख सकते हो, इतनी जागरूकता के बावजूद भी लोग किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, लोग किस कदर लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। एक भैया और हैं पीछे, हम उनसे बात करते हैं। भैया, आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर? हाँ, चौकीदार। चौकीदार कौन से गांव के हैं? खुजेहटा गांव। खुजेहटा, तो आपके गांव में लोग मास्क वगैरह लगाते हैं, पालन करते हैं मास्क? लगाओ। किस तरह से करते हैं? लगाओ। लोगों के पास दलीलें भी हैं बताने के लिए। अब देख रहे हैं कि दीवान साहब हैं, हम दीवान साहब से बात कर लेते हैं। अरे दीवान साहब, अरे सुनिए सुनिए, जेब में मास्क है कि नहीं? अरे सुनिए भैया, नहीं है लग रहा जेब में, ना राइट पॉकेट में है ना लेफ्ट में है। मिल गया? अरे लगा लीजिए, लगा लीजिए। आइए बात करते हैं आपसे थोड़ा सा। ये बताइए कि यहाँ पर कायदे से लगा लीजिए पहले आप मास्क, सही से लगा लीजिए। सीधा लगाइएगा। हाँ, सीधा लगाइएगा। हाँ, लग गया, लग गया सही से। ये बताइए कि कार्यालय के अंदर लोगों का मास्क का पालन कितना कराते हैं, कैसे कराते हैं आप? 100% किया जा रहा है। 100%? 100%। भैया, आप भी तो निकले थे बगैर मास्क के। नहीं नहीं, वो तो पानी पी रहे थे ना, वो तो। अच्छा, पानी पीने के लिए निकले। यहाँ तमाम चौकीदार बाहर खड़े थे बगैर मास्क के, उनको भी टोकना पड़ा हमें। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या है इस वक्त, और आप कैसे पब्लिक में जाते हो, कैसे समझाते हो लोगों को? नहीं, सबको बताया जाता है मास्क लगाने के लिए, हिदायत दी जाती है, चालान भी करनी पड़ती है, चालान भी करना पड़ता है। लेकिन जनता अब भी नहीं मान रही है, आखिर क्या, क्यों नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। ऐसे निठुर लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? थोड़ा आपकी तरफ से इंडिया न्यूज़ पर हम एक संदेश चाहते हैं कि आप उन लोगों को संदेश दिए जो आज भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, अब काफी लोग मान रहे हैं। नहीं, जो नहीं मान रहे उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। एक छोटा सा आपकी तरफ से संदेश, यहाँ एक अपील लोगों से, क्या कहेंगे आप? समझाया भी जाता है, उनको बताया भी जाता है कि भाई लगाइए। नहीं, हम चाह रहे हैं ना आपकी तरफ से एक इंडिया न्यूज पे अपील हो जाए कि भैया आप लोग मास्क लगाओ, नहीं तो दिक्कत में आओगे, परेशान हो गए। नहीं, इसके लिए बताया जाता है, उनको हिदायत की जाती है। मतलब आप अपील नहीं करोगे लोगों से? कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल। तो देखा, ये वो पुलिस है जो लोगों को
मास्क के लिए अवेयर करती है, लगातार चौराहों पर और ऐसे पब्लिक प्लेसों पर लगातार चेकिंग की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग नहीं मानने को तैयार हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वो है कि जो उस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि नहीं, मास्क लगा के मुझे नहीं चलना है, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए सख्त हिदायत है कि वो इस वक्त इस महामारी के दौर में कतई बिना मास्क के ना चलें, वरना आप अपने और समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें, नहीं तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी और आप भी संक्रमण के घेरे में ज़रूर आ जाएंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।